नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी और मैं आपके साथ हूं प्रदीप भारद्वाज। लूटी गई प्याज से भरी ट्रक को आमस पुलिस ने 4 घंटे के अंदर किया बरामद। आमस थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के समीप बीती रात्रि अपराधियों के द्वारा लूटी गई प्याज से भरी ट्रक को आमस पुलिस ने 4 घंटे के अंदर बरामद कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। उक्त जानकारी शेरघाटी डीएसपी परविंद्र भारती ने गुरुवार की शाम आमस थाना परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नारायणपुर गांव के समीप NH2 पर बीती रात्रि एक बोलेरो से 4 अपराधियों ने मिलकर प्याज से भरी ट्रक को हाईजैक कर लिया था। ड्राइवर को मारपीट कर सड़क किनारे फेंक कर खलासी को बंधक बनाते हुए उसे बोलेरो पर बैठा लिया और अपराधियों ने इस घटना के बाद ट्रक को लेकर औरंगाबाद की ओर भाग निकले। ट्रक चालक ने एक होटल में किसी तरह पहुंचकर होटल के मालिक के मोबाइल से इस घटना की जानकारी अपने ट्रक मालिक को दी। इसके बाद होटल मालिक और ट्रक के मालिक ने फौरन इस बात की सूचना आमस थाना को दी। घटना की सूचना मिलते ही आमस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह होटल पर पहुंचकर ड्राइवर से पूरी जानकारी ली। आमस थाना अध्यक्ष ने तत्परता दिखाते हुए एक टीम गठित की और लुटेरों को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार ट्रक में GPS भी लगा हुआ था, जिसके आधार पर आमस पुलिस ने ट्रक को पीछा कर अपराधी सहित ट्रक को बरामद कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त औरंगाबाद जिले के सलैया थाना क्षेत्र के गड्डी निवासी रामा सिंह के पुत्र राकेश कुमार सिंह के रूप में पहचान हुई है। पुलिस ने इस घटना में प्रयोग में लाए गए बोलेरो वाहन को भी जब्त किया है। वहीं खलासी एवं ड्राइवर से लूट के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आमस से एहसान अली की रिपोर्ट। 14 चक्का गाड़ी है जो प्याज लूट करके जा रहा था, तो कैलकटा की तरफ जाना था, उसे नारायणपुर के आसपास अपराधियों ने हाईजैक कर लिया और उसे लूट लूट करके भागने लगे। सूचना पर ऐसे जो निकले और चूँकि गाड़ी में GPS लोकेशन था, उसके लोकेशन के आधार पर ये पीछे छापेमारी करते चले गए, पहुँचे पलामू। पलामू में ये छतरपुर एक जगह है, वहाँ पर गाड़ी को जाकर इन्होंने पकड़ा। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके उस गाड़ी को बरामद किए तथा इसमें जो एक्यूज था, जो गाड़ी लेकर के जा रहा था, राकेश कुमार सिंह है, तो सलैया औरंगाबाद का, उसे भी गिरफ्तार किए। गिरफ्तारी के बाद उसने कन्फेस किया कि ये लोग 4 आदमी थे और नारायणपुर के पास एक बोलेरो गाड़ी था, उससे आए थे और इस गाड़ी को ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिए और कब्जे में ले जा कर के आगे उसको फेंक दिए। खलासी को साथ में लेकर के चले गए थे। पुनः गाड़ी को जब ड्राइवर को लेकर के यहाँ पर आया गया, मोबाइल के लोकेशन का अध्ययन किया गया, तो उसमें अन्य साथी के बारे में भी सूचना प्राप्त हुई है। और इस जिस बोलेरो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था इस लूट में, उस बोलेरो गाड़ी को भी थानाध्यक्ष के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस कांड में लूटा गया ट्रक एवं उसमें लदा हुआ प्याज बरामद हो गया है। प्रयुक्त जो घटना में गाड़ी प्रयुक्त की गई थी, उसे बरामद कर लिया गया। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, छापेमारी की जा रही है। इसमें अन्य संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। अन्य की भी पहचान हो गई है? अन्य कितने हैं? अन्य 3 और आदमी हैं जिसकी पहचान हो गई है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। लगभग प्याज कितने? 30 टन प्याज है और इसका कीमत मार्केट में अंदाजा लगा लीजिए कितना होगा, लगभग 10 लाख से ज़्यादा का कीमत है उसका।